माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट क्लास की मैरीगोल्ड बुक में से यूनिट नंबर 7 की फर्स्ट पोएम अ काइट। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम आसमान में काइट फ्लाई करते हैं, कितना अच्छा लगता है देखने के लिए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं ये पोएम। पहले रीडिंग। आई ऑफ्टन सेड एंड विश दैट आई could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chanced to blow। चलिए फिर इसमें जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग देखते हैं। ऑफ्टन मीन्स अक्सर या हमेशा। सिट बैठना। विश मतलब इच्छा। काइट पतंग। स्काई आसमान। राइड का मीनिंग होता है सवारी करना। ब्रीज मतलब हवा का झोंका। चांस्ड, चांस का मतलब होता है मौका मिलना। और ब्लो का मीनिंग होता है उड़ना या फूंकना। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आई ऑफ्टन सिट, मैं अक्सर बैठता हूँ। एंड विश दैट आई, और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कुड बी अ काइट, कि अगर मैं एक काइट होता, अगर एक पतंग होता तो क्या हो जाता। कहाँ पर होता है पतंग? अप इन द स्काई, आसमान में जो पतंग उड़ते हैं। ऐसा ही अगर मैं एक पतंग होता तो क्या होता। एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो, तो मैं ब्रीज के ऊपर मतलब हवा के झोंके के ऊपर सवार होता और मैं जाता। कहाँ जाता? विच एवर वे आई चांस्ड टू ब्लो, जहाँ भी हवा मुझे उड़ा कर लेके जाती मैं वहाँ चला जाता। तो ये था पोएम का एक्सप्लेनेशन। ब्लो, ब्लो का मीनिंग होता है उड़ना या फूंकना। ब्रीज, ब्रीज मीन्स हवा का झोंका। चांस्ड, मौका मिलना। काइट पतंग। सिट बैठना। नाउ लेट्स रीड दीज टू सेंटेंसेस। आई कैन फ्लाई अ काइट, यू हैव टू रीड दीज टू सेंटेंसेस। I can fly a kite. You know what is kite? Kite मतलब पतंग. I love to sit under a tree. I love to sit under a tree. Sit मतलब बैठना. Okay, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें। थैंक यू।